biological magnification. बात ना करें, जैव प्रवर्धन. Some pesticides like DDT are non-biodegradable. So they enter in food chain either through plants, या तो plant में चले जाएंगे, plants sap में हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? So क्या होगा कि प्लांट सर या टेक इन दीज बायोडिग्रेडेबल या पेस्टिसाइड्स को थ्रू प्लांट सर उसको टेक इन कर देते हैं. दीज एंटर इन फूड चेन. ऐसा क्यों होता है? एज जो प्लांट suck these chemicals ठीक है थ्रू रूट्स. अब ये खाने में आ गए. समटाइम्स ड्यू टू रेन दीज रन ऑफ नियर वाटर बॉडीज. ये क्या करते हैं? समटाइम्स ड्यू टू रेन, ये जब रेन होती है तो बह के नदी नाले में चले जाते हैं. ड्यू टू रेन इट रन ऑफ नियर वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज का मतलब है रिवर या कुछ भी होगा. एंड गल्प्ड बाय फिश, मछलियों में चल जाते हैं. एंड टेकन इन भी लिख सकते हो या गल्प. आप बोलो. प्लांट सक, इसको सक कर लेते हैं दीज केमिकल्स. और ये अगर पानी में गए तो मछलियों ने अंदर ले लिया. इन दिस वे दीज एंटर इनटू फूड चेन. ठीक है. इन दिस वे आल्सो दीज एंटर इनटू फूड चेन. Now, as we move from lower trophic level to higher trophic level, trophic level का मतलब है the various levels at which, various levels of food chain at which food energy is transferred are known as trophic levels. So, as we move to higher trophic levels, their concentration goes on increasing. क्योंकि जो बड़ी मछली वो कई मछलियों को खा जाती है, तो मछलियां तो डाइजेस्ट हो जाएंगी लेकिन डीडीटी तो डाइजेस्ट नहीं होगा. सो एज वी मूव टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक का मतलब ही होता है फूड. तो जो खुद फूड बनाए वो ऑटोट्रोफ, जो दूसरों के फूड पे निर्भर करें वो हीटरोट्रोफ होते हैं कि नहीं. जो मरे पे जिंदा रहे वो सैप्रोट्रोफ. सैप्रस का क्या मतलब होता है? मृत्यु. साइप्रस का मतलब जो मरे बिछी. टू हायर ट्रॉफिक लेवल, आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो सुप्रिया. एज वी मूव टू हायर ट्रॉफिक लेवल, एक्युमुलेशन ऑफ दीज केमिकल्स इंक्रीज. हाँ, द एक्युमुलेशन या द कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स goes on increasing, वो बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है. And it is highest at the top most trophic level. And it is highest. इसी को तो magnification कहते हैं. It is highest at
टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल। ह्यूमन ऑल्सो कम्स एट द टॉप मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ ट्रॉपिक लेवल, हेंस दीज हार्मफुल केमिकल्स आर फाउंड इन साइड ह्यूमन बॉडी विच इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग भी है। सो ह्यूमन ऑल्सो कम्स, हाँ बोलिए दो अंश। देखो ये सब क्या होते हैं कि हम डालते हैं कीटनाशकों के तौर पर, लेकिन प्लांट में रूट्स के माध्यम से उसे पहुंच गया, और पानी में अगर बारिश हुई तो फ्लड के माध्यम से वहां पहुंच गया। मछली भी तो लोग खाते हैं, मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर वो हमारे अंदर भी चली जाएगी। या उसी तरीके से हमने वेजिटेबल्स खाए, ठीक है, उसके लिए आप लेंगे जब बायोजेनेटिक्स से कुछ आप करें, ठीक है। हाईएस्ट एट टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन कम्स, इस ऐसी चीजों को हम जो इसीलिए आजकल बायोकेमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन फार्मिंग चल रही है कि इनका यूज ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अभिनेता नेता, उनके यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, एक एक सेब उनका 350 रुपए का आता है, तो देट इज ठीक है कि नहीं। तो एट टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन कम्स एट टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, सो कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस is most on us, is most या highest in us, in us. Moreover, these are also cancer producing or carcinogenic. This is called biological magnification. ये तो definition हो गई। This is called biological magnification. These chemicals remains undegraded in our body for more than 60 years, इतने ज्यादा समय तक ये रहते हैं, एक्युमुलेट होती चली जाएगी ब्लड में, एक्युमुलेट हो जाएगी कहीं ना कहीं, ये चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि अगर ये फूड कैनाल में होती तब तो निकल जाती, लेकिन ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जा रही ना, तभी तो ब्लड में एक्युमुलेट हो जा रही है, ठीक है। एंड इज कार्सिनोजेनिक, एंड इज कार्सिनो का मतलब है कैंसर जेनिक, जो ये होता है सच पेस्टिसाइड्स आर बैन इन मैनी ऑफ द कंट्रीज, ये अमेरिका में यूज नहीं होते हैं, हेंस दीस पेस्टिसाइड्स, बट इंडिया में हो रहा है, दीस पेस्टिसाइड्स आर बैन इन मैनी ऑफ द कंट्रीज। आपको मालूम है ये जो खाना है उसके जो खाने के जो फेंका जाता है, एक अलग ड्रेनेज होता है चाइना में, तो उसमें खाने खाने को फेंका जाएगा, जैसे कुछ नहीं था वेस्ट है खाने का, तो उसमें फिर जब खाने की अलग ड्रेनेज, उसमें जो ऑयल तैरता है उसको लोग निकालते हैं, फिर उसी से खाना बनता है। जब तक कोई मर ना जाए तब तक तुम कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, चाइना में बैन नहीं। जैसे तेल ऊपर होता है ना उस सड़े खाने में से, उसको लेके भी आप यूज कर सकते हो, उस ऑयल को यूज कर सकते हो, तो उसमें बहुत लोग इम्पोर्ट। कार्सिनोजेनिक कैंसर प्रोड्यूसिंग, कर्क रोग हो जाता है, कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग। कैंसर जानते हो, किसी एक पार्ट में सेल की ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बस यही कैंसर। ब्रेन कैंसर है, ब्रेन में कोई सेल अचानक कहीं बढ़ जाए, वो कोई रोगी नहीं है,
लेकिन ऐसा हो जाएगा वहां पर बढ़ता चला जाएगा तो सारे और दूसरे सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैम्पर होंगे कि नहीं। यही चीज थ्रोट कैंसर है कहीं पर भी होगा। नाउ अब देखिए पैरासाइट क्या होता है, जैसे कि परजीवी। सो दोज एनिमल्स या प्लांट्स ठीक है विच लिव इंटरनली और एक्सटर्नली ऑन होस्ट, वो खुद एज ए गेस्ट रहते हैं। एक मेजबान होता है और एक मेहमान होता है, तो इसका मतलब है लिव ऑन होस्ट। होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे हमारे लीवर में लीवर फ्लूक रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेन एरिया या इसी तरीके से और चीज राउंड वॉर्म टेप वॉर्म अर्थ वॉर्म ये सारी चीजें रहती हैं। कई जगह एलिफेंटियासिस अंदर अंदर बहुत सारी चीजें रहती है बॉडी में, तो ये तो बाहर भी रह सकते हैं या फंगस भी लग जाती है, तो किसी तरीके से हमारे बाहर भी रह सकती है अंदर भी रह सकती है। एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम एंड ऑन होस्ट, खुद होस्ट पर रहते हैं गेस्ट की तरह। होस्ट कौन होता है, जैसे मेजबान, जैसे भारत ने अभी मेजबानी की वर्ल्ड कप की, तो भारत में ही तो गेम हुए, हम मेजबान थे और जो दूसरे देश आए वो मेहमान थे, जो मेज लगाए वो मेजबान और जो आ जाए खाना खाए वो मेहमान। हाँ बोलो कहाँ से बताए, बताओ बताओ। कैंसर प्रोड्यूसर, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर प्रोड्यूसर। अब ये देखो सो लिव्स एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, कस्क्यूटा का मतलब होता है अमर बेल ठीक है, या गिलोय, गिलोय भी पत्तियों में रहती है, तो इस तरीके से कस्क्यूटा और गिलोय। सो ये एक तरीके के जो वल्लरी है किसी के ऊपर जो राइजिंग होकर के चलते हैं ठीक है कि नहीं, और ये टेक राइजर्स हैं, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। इसी तरीके से जैसे कि राउंड वॉर्म टेप वॉर्म ये हमारी बॉडी में रहते हैं, इसी तरीके से लीवर फ्लू प्लेनेरिया ये सभी के सभी वहां रखे हैं ठीक है, ये सभी हमारी बॉडी में से ही लीवर फ्लू लीवर से निकलेगा, तो ये सब रहते हैं और ये दोनों हमारे इंटेस्टाइन में रहेंगे ठीक है। सो लिव विद इन ह्यूमन, लिव इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर पेट में कीड़े हैं तो आप देखो उसके आंख रात को आधी खुली रहेगी, मुंह से लार गिरती रहेगी, तो समझ जाना पेट में कीड़े हैं। तो वो एल्बेंडाजोल वैसे पापा हर 3 महीने में ला के देते ही, आप लोग खाते ही हो तो, या 6 महीने में, तो वो खा लिया जाता है उससे ठीक हो जाता है। एल्बेंडाजोल वो क्या होता है, राउंड वॉर्म, या स्कूल में भी बांटा जाता है तो आप लोग, वो क्या है कि इस तरह पेट के कीड़े नहीं, तो अदरवाइज वो हम लोगों को क्या है कि कई तरीके के बॉदर करता रहेगा, हेल्थ इश्यूज हो जाए। तो अब देखिए नाउ, हाँ आपने एक बार दिखाया था ना आइस में से, वो कौन सा होता है? वो कई तरीके के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। देखिए ओके सो सम आर, देखो अलग अलग चीजें हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि सेप्रोट्रोफ और कुछ होते हैं सेप्रोफाइट, दोनों में ईशान क्या अंतर है? क्वेश्चन करेक्ट नहीं, अच्छा क्वेश्चन, सेप्रोट्रोफ और सेप्रोफाइट
करेक्ट यही है, क्योंकि फाइट वर्ड बोल दिया ना, वहीं से उन्होंने पकड़ लिया, सर फाइटा बोल दिया, जो मरे प्लांट पे उगे वो फाइट है, और ट्रोफ जो मरे जंतुओं को खाए। सही बोला, सही है। Saprotrophs, ठीक है? Those animals which live on dead and decaying animals, जो उनका भोजन करें, eat flesh of, वो किसका flesh खाएं? Dead and decaying, खुद शिकार ना करें। Those animals, आप कहीं भी इधर भी बैठ सकते हो, सार्थक अगर वहां से ना दिखाए, कैमोफ्लेश तो नहीं कर रहे हो। Those animals which eat flesh of dead animals, ये चीज है, और which those plants which take nutrition from dead and decaying organic matter or wood, wood से जो है, तो उसे क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट, फाइटा का मतलब प्लांट्स होता है, तो सेप्रो मशरूम, तो दोस प्लांट आ जाएगा, जैसे इसमें फंगी आ जाएगा, फंगी उगाता है कि नहीं, सो दोस ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स नहीं होगा बट ऑर्गेनिज्म होगा, विच ग्रो ऑन रॉटन वुड, सड़ी हुई वुड और डेड प्लांट, सेप्रोफाइट, फाइटा का मतलब क्या होता है? जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब वर्ड किसके लिए? प्लांट्स के लिए है, तो इसलिए जो पौधों से संबंधित है, तो सेप्रोफाइट आ जाए, तो तुम ये समझ लेना फंगस उगाती कि नहीं, मशरूम, तो इसका आंसर मशरूम है और इसका आंसर वल्चर, इसका क्या हुआ बताओ? वल्चर, और भी बहुत सारी चीजें, मैना, वुल्फ भी हो सकता है, और जबकि इसमें क्या होंगे? मशरूम या फंगी। अब देखिए और भी होते हैं, हाइना भी होती है ना, हाइना बहुत खतरनाक होती है, फूड चेन, सो द फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन्स, इट कैन बी ट्रांसफर्ड from one to other through food chain. The sequence of living organism in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy and sustain its life is known as food chain. Repeat karo Sarthak. Kuch bolo dekhe. Ishan, repeat karo. Kuch bolo. Food chain. Food can be transferred from one organism to other through food, through a link, that is, and this link is called food. Okay. So sequence of living organism. One organism. Another organism. Sequence of. Okay. In which one organism consumes. Other organism, ठीक है,
टू सस्टेन इट्स लाइफ, अपने जीवन चलाने के लिए सस्टेन इट्स लाइफ, इज कॉल्ड फूड चेन। नेहा, फूड चेन के माध्यम से क्या चीज ट्रांसफर होती है? थ्रू फूड चेन फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, नाउ the list of organisms showing who eats whom is called food chain. A list of, यही इसकी definition है, a list of organism showing who eats whom. is called food chain. देखिए, सच चेंज आर ऑपरेटिंग विद इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में होगा क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो सच चेंज आर ऑपरेटिंग विद इन। एक सिंपलेस्ट फूड चेन बताओ सार्थक। कुछ नहीं यार, ग्रास प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर। अभिषेक बताओ। सर ग्रास सन से, सर ग्रास में सन से नहीं, सन को छोड़ो, ग्रास इंसेक्ट क्रॉप ने। तीन की एक चेन बताओ जरा। सर ग्रास प्रोड्यूसर हुआ, वो सब छोड़ो, गोट हाँ, और सर फिर टाइगर ग्रास। ठीक है, सो सच चेन्स आर ऑपरेटिंग विद इन इकोसिस्टम। ठीक है, अब जरा देखो, डिकम्पोजर ईट्स कंज्यूम्स आर, सो डिकम्पोजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि वो प्लांट के भी मरे को खा जाएगा। जब कोई मरेगा तभी तो खाएगा, शेर को भी खाएगा, तो डिकम्पोजर्स इस चेन का हिस्सा नहीं है। ये जो चेन है ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में ही रन करती है। ठीक है, डिकम्पोजर्स अलग से हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फूड चेन। Now see, for example, grass. Grass को deer ने खाया, deer को lion ने खाया, जो कि ये producer है, ये herbivore है और ये carnivore है। अगर और देखा जाए तो ये दोनों consumer हो गए और ये तो producer हो गया। ठीक है, now so a food chain represent a unidirectional transfer of energy। इसके और क्या फीचर्स हैं फूड चेन के? इसमें वापस एनर्जी नहीं ट्रांसफर सकती। अगर लायन पड़ा भी हुआ है तो हिरन मर जाएगा लेकिन वो लायन को नहीं खा पाएगा। और बात समझ में आ गई कि नहीं? या डियर पड़ा हुआ है तो ग्रास, ग्रास को न्यूट्रिएंट्स ना दिए जाए तो वो मर जाएगी हिरन से। इसमें से एक भी अगर तो वो भी हम देखेंगे। तो फूड चेन शोज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। शोज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। The food chain helps us to show that how the various living forms या life forms in an area interact with each other। उससे हमें यह पता चल जाता है कि किसी habitat में रहने वाले कैसे प्राणी एक दूसरे से interact करते हैं, तो it also helps। Now,
ऐसे हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, अ फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, स्नेक इज ईटन बाय पीकॉक, पीकॉक इज ईटन बाय डीएनसी, ठीक है, स्नेक को ईगल भी खा सकता है, वो हम आगे भी देख लेंगे। नाउ देखो, प्लांट्स को ऐसे और बनाए जा सकते हैं, प्लांट्स हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिव्यांगी इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, बताइए, और कोई नहीं बताएगा। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, और इसमें ये बताइए जो कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर किसे कहेंगे, फ्रॉग स्मॉल कार्निवोर है, क्योंकि ये तो हर्बीवोर है, इसको जो खाए वो क्या है, दिस इज स्मॉल सेकेंडरी, यही सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, देखो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये हर्बीवोर है, हमेशा जो हर्बीवोर है वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये दोनों टॉप कार्निवोर है, वैसे न्यूटन ने भी एक बार फ्रॉग खा लिया था, टिफिन छोड़ दिया था, अरे वो तो फ्रॉग हमने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था, वो मैं खा ही गया। अब देखें, कभी कभी अगर एल्गे हो तो पीयूष एल्गे को कौन खाएगा, जूप्लैंकटन, हाँ फाइटोप्लैंकटन ही तो एल्गे हैं, तो इसको प्रोटोजोआ खा लेगा, प्रोटोजोआ ही जूप्लैंकटन है, जबकि ये क्या है, फाइटो प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, फिर वो फाइटो भी हो सकता है, जू भी हो सकता है, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को कौन खाएगा, एकलव्य, स्मॉल फिश, एकलव्य, हाँ, और स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश, ठीक है, इस तरीके से। नाउ What does it mean by food web? फिर तुम वहां चले गए। चलो food web देखिए। So that is in any ecosystem one एनिमल या वन ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी एंड सेल्फ ईटन बाई मैनी, एक खुद कईयों को खाता है लेकिन खुद भी कईयों के द्वारा खाया जाता है। सो इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी जैव पारिस्थितिकी में, ये तो एल्गे को खा रहा है, हर्बी बोर हुआ थे, हर्बी प्राइमरी कंज्यूमर, यही हर्बी बोर है, हर्बी। सो इन एनी इकोसिस्टम वन ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी एंड गेट ईटन बाय मैनी, वन ऑर्गेनिज्म ईट्स मैनी एंड गेट मान लो चिकन नहीं मिला तो गोट खा लेंगे, नहीं तो पालक खा लेंगे, ऐसे हम जो भी है 10 तरीके की चीज खा लेंगे, ठीक है, और हम भी अगर जंगल में जाएंगे तो कईयों के द्वारा खाए जाएंगे, ऐसा
ऐसा होगा कि नहीं? बंदूक लेके जाना। हाँ, तो इस तरीके से eaten by many, so this makes the various food chains interconnected, which each other and making web-like structure. This fact interconnects many food chain को interlink कर देगा, many food chain and creates web like structure। अगर एक चीता सोचे हमको तो हिरन ही पसंद है, हम हिरन ही खाएंगे, भेड़ नहीं खाते हमको, तो मर जाएगा, उसको हिरन ढूंढे जो है, क्योंकि लेस एनर्जी में ज्यादा शिकार पकड़ना, जो सामने आ जाए पकड़ के खा लो, ये चीज तो देखनी कि नहीं, तो इसलिए लाइफ सस्टेन करने के लिए कईयों को खाना पड़ता है। सो मान लीजिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रास ऊपर टिड्डे ने खाया, ग्रास ऊपर तो देखा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, वो टिड्डा है जो दूसरी लाइन में सेकंड है, ऐसे टिड्डे पेड़ों पे रहते हैं कि नहीं, खाते रहते हैं, तो ग्रास हॉपर है, या प्लांट को रैट भी खा सकता है, प्लांट को क्योंकि अनाज खाते हैं, रैबिट भी खा सकता है। तो अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती हैं जैसे सीड ईटिंग बर्ड, कुछ दाने खाती हैं, ऐसी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट नहीं खाती हैं, वैसे गौरैया जो है स्पैरो वो इंसेक्ट भी खाती है, जैसे चाइनीज चाइना में माओ ने मरवा दिया था ना गौरैया लोगों को, फिर एक एक डॉलर में एक एक किलो गौरैया बिके। अब जरा देखें, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, और इसी तरीके से ग्रास होपर को हॉक भी खा सकता है, सबसे टॉप पे बाज, फ्रॉग भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है, जहां फ्रॉग स्नेक के द्वारा खाया जाएगा, और स्नेक को कौन खा लेगा? बाज। अब सीड ईटिंग बर्ड है, सीड ईटिंग बर्ड को भी स्नेक खा लेगा, बर्ड को तो स्नेक खा ही सकता है, माइस को भी स्नेक खा लेगा, तो इंटरकनेक्टेड हो गया, वन ईट्स मैनी, और ये रैट को भी ये उठा ले जाएगा, दिस इज ईटन बाय मैनी, ठीक है कि नहीं। अब ये देख लो, रैबिट को ये भी खा लेगा, और यहां हमने देखा ये इंटरकनेक्टेड चेन है, इसी तरीके से कई बार रैबिट स्नेक के द्वारा भी खाया जाए। सर, रैबिट को हॉक कैसे खाएगा? क्या हॉक कैसे खाएगा? रैबिट को उठा ले जाता है, दिखाएं, चलो वो बच्चों को उठा ले जाता है, खेलते हुए बच्चों को उठा ले जाता है, हॉक हो गया, ईगल हो गया, हम लोग एमएससी में पढ़ते थे तो टीचर चला भी जाता था 5 मिनट, तो हम लोग अपने नोट्स बनाते थे, वो क्या ऐसे बात नहीं करते, जैसे कि बात करने के लिए तड़प, तो ये मेस तो नहीं है। अब ये देखो, ईगन लिफ्ट्स ए बेबी, ये switch gears now though to a video that is going viral overnight. Wait till you see this. It appears to show an eagle swooping in and grabbing a baby and lifting a baby up for a few seconds. Don't worry, the baby is just fine, but it raises the question, is this real? ABC's Rob Nelson takes a closer look. Take a look at this video.
Is that an eagle snatching a baby? In this video that has gone viral overnight, watch as this bird, thought to be a golden eagle in a park in Montreal, apparently trying to kidnap a child via airmail. किसी किसी को भी हंटिंग करता है, ये देखो कितना खड़ा होता है, तो ये नीचे आया और ये किसको उठा ले जाए? हंटिंग शैमी इन द माउंटेंस. अरे अरे देखो कितना बकरी आई कितना ज्यादा है. अबे किसको उठा रहा है? ये देखो ये भी खतरनाक है. ये बड़े होते हैं बाल. आ गया ना, ये देखो रैबिट को खा रहा है, कुत्ते को खा, सबको खा लेता है. ये देखो ये तो शान से उड़ रहा है. ये देखो sure that he won't escape his grip. He desperately resisted captivity. When this goat was gazing at the top of his mountain, the predator tried to snatch its prey and got away with it. But it slipped away and fell. A fall that will certainly end its life. After that, the crown eagle wanted to fly away with him to rejoice in its mate. Now, तो हमने यहाँ देख लिया, it makes a food like structure. Okay. Now, so it starts, food starts, food web starts from producer and ends at start कहाँ से हुई? ये जाल. End कहाँ पे हुई? At the top carnivore. जैसे एक स्लीपिंग वाला नेट नहीं होता, एक तरफ से स्टार्ट होता है, बीच में बड़ा होता जाता है, फिर छोटा हो जाता है जिसमें लोग सोते हैं. तो इस तरीके से इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओके प्रोड्यूसर एंड एंड सेट ends at top carnivore. अब देखिए ट्रॉफिक लेवल क्या है. Now, various steps in food chain. अगर मैं इसमें एक सर्कल करूं तो ये पूरा ऐसा ग्रुप है जो किसको खा रहा है, और एक ये है. तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, उसके ऊपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है. तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना. सो एट द वेरियस लेवल्स एट विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल. ट्रोफोस का मतलब ही है फूड एनर्जी. सो द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन. At which food energy is transferred
is called trophic level. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में यशिका कौन आएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, जरा एक एक एग्जांपल तो दो. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएगा? मैं बताऊं? बोलो. फ्रॉग्स. हाँ बोलो. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर से दैट इज हर्बीवोर. बहुत अच्छा. अब जरा देखो, तो अगर हम कहें तो प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स अभी बता रहे हैं, और उसके बाद क्या आएंगे? हर्बीवोर. और उसके बाद क्या आएगा? स्मॉल कार्निवोर. और फिर उसके बाद टॉप कार्निवोर. तो सबसे ज्यादा 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो सबसे नीचे वाले के पास ज्यादा एनर्जी है. फिर उसके ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, और फिर सबसे ऊपर वाले के पास और कम हो जाएगी. तो इस तरीके से फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. तो यहाँ देखें कि ये तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की फर्स्ट सेकंड की लिस्ट यहाँ से शुरू होगी, लेकिन ट्रॉफिक लेवल की फर्स्ट सेकंड तो यहीं से शुरू हो जाएगी. तो ये क्या हुआ बताइए? दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल. वहां कंज्यूमर उधर लिख देंगे लेवल. और दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. कई बार दो दो ये आ जाते थे, जैसे स्नेक वाला ने देखा था, स्नेक और पिकॉक वाले ने, तो टॉप कर कंज्यूमर दो दो आ जाते थे. कभी कभी टॉप कार्निवोर में टॉप टॉप कार्निवोर भी बोल दिया जाता है, लेकिन वन क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, वो उसको भी खाता है और सीधा भी खा सकता है, तो इसलिए वो नहीं है इशू. तो ये ट्रॉफिक लेवल, लेकिन ये तीनों तो कंज्यूमर है. तो अगर मैं कंज्यूमर की इस लिस्ट शुरू करूं तो यहां से शुरू करूं, तो इसलिए इसे एकलव्य क्या कहेंगे? दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर. और दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर. सुप्रिया, जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो किस ट्रॉफिक लेवल का है? उधर देखे भी ना बताओ. हाँ बोलो रवलीन. टर्शियरी कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल में आएगा? नेहा बताइए. यहां से अलाइन कर लो ना, टर्शियरी फोर्थ में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाए, द वेरियस लेवल्स एट विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द वेरियस लेवल्स आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंड्स एट टॉप कार्निवोर. ट्रॉफिक लेवल कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर. तो ठीक है कि नहीं? तो प्रोड्यूसर कौन हुआ यशिका? दैट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. समझ गए? और फिर इसी के तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल. स्टार्ट्स ट्रोफोस का मतलब फूड होता है, तो फूड के लेवल. इसका मतलब है फूड. तो ट्रॉफिक लेवल starts from producer या plants and ends at top carnivore. ठीक है. As we move higher in trophic level, the available food energy get reduced. As we move higher in trophic level, biomass is reduced.
मेरा कहने का मतलब क्या, बायो मास का क्या मतलब है, अगर पूरे दुनिया में 1,000 मिलियन टन प्लांट्स हैं, या तुम सिंपली समझ लो तुमने 100 ग्राम सेब खाया यशिका, तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ेगा, कितना तुम्हारी बॉडी में एसिमिलेट होगा, 10 ग्राम। बाकी एनर्जी लाइफ प्रोसेस उस सेब को खाने के बाद ढूंढने में खर्च हो जाएगी, लेकिन 10 ग्राम तुम्हारा वजन बढ़ेगा। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन सेब खाए, तो जितना किलो सेब खाएगी उसका 1/10 ही वो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जो बायोमास प्लांट्स का है उसके ऊपर जो ये यहाँ हर्बीवोर, ये हर्बीवोर है ना, तो जो हर्ब्स को खाए वो हर्बीवोर, वोर का मतलब ईटर, वोरस का मतलब क्या है, तुमने ऐसे देखा होगा कि कई तरीके कैसे प्लांट्स होते हैं जो कार्निवोरस प्लांट है, वोरस पिचर प्लांट, तो वो वोर का मतलब ईटिंग, तो हर्ब्स को खाए तो हर्बीवोर। तो अब अगर 1,000 किलो कुल एक बगीचे में पेड़ है, तो बता सकते हो कि उस बगीचे में कितने लोग पेड़ खाने वाले कितने होंगे, 100 किलो ही रहेंगे, वो बायोमास उनका वजन, और उनको खाने वाले कितने रह सकते हैं, 10 किलो। इसी तरीके से जैसे जैसे हम चलेंगे, अगर मोर को कहा जाए कि वो सांप खा के जिंदा रहे, तो दुनिया में इतने सांप नहीं है, तो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल बड़ी मुश्किल से सस्टेन हो पाता है। जैसे मैंने कहा प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, तो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल उनके लिए अवेलेबल एनर्जी इतनी बची नहीं है, उनको ढूंढने में एनर्जी ज्यादा लग जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द ये ट्रॉपिक लेवल रन हाईएस्ट एट मोस्ट अप टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल आर वेरी लेस सीन बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन एट सच ए हायर लेवल, वहां पर उनको खाने के लिए उतना मिलेगा ही नहीं। टाइप ऑफ एनिमल जो एकदम टॉप पे रहेंगे वो भी कम होंगे, फिर वो अगर वो कम होंगे या फिर वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, वो छोले खाएंगे डीएससी के यहाँ से कंप्रोमाइज करेंगे, वो सांप खा के थोड़ी गुजारा कर पाएंगे, उतने सांप कहाँ मिलेंगे, और कुछ खाएंगे, वो मोदी भी तो छोले खिलाते हैं, छोले खाते हैं। अब जरा देखो ये देखिए, सो दीज आर, अगर हम देखें जो वेरियस ट्रॉपिक लेवल है वो पिरामिड बनाते हैं, फूड पिरामिड। व्हाट डज इट मीन बाय फूड पिरामिड, सो एज वी मूव हायर एंड हायर ऑन ट्रॉपिक लेवल, सो दैट इट इज शोन, ट्रॉपिक लेवल इज शोन बाय फूड पिरामिड, किससे दिखाया जाता है, बायोमास कितने किलो अवेलेबल, क्योंकि हमने 100 ग्राम सेब खाया तो 10 ग्राम हमारा वजन, तो इसका मतलब जितना तुम पौधों को खाओगे 1/10 ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगला जो चेन है उसमें सिर्फ 10% की वृद्धि होगी, बाकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर, पॉपुलेशन किलो के हिसाब से, कितने किलो पेड़ तो कितने किलो बकरी, समझ आई। सो ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन बाय फूड पिरामिड, आर इज शोन बाय फूड पिरामिड, में सबसे नीचे क्या रहेंगे, प्रोड्यूसर, और फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं यही हर्बीवोर हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरीके से वेरियस ट्रॉपिक लेवल, और उसको फूड पिरामिड कहेंगे। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड नंबर, इन्होंने तो पिरामिड नंबर कहा है, तो पिरामिड्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड्स ऑफ नंबर, नंबर से नहीं चल सकता है काम, क्योंकि कुछ इंसेक्ट छोटे होंगे, ये बायोमास से चलेगा, कितनी है पिरामिड नंबर वन, पिरामिड नंबर का ऐसा कुछ
If we count the number of species living in each tropic level, we can represent the food chain. वो तो बोल रहा है कि number of species, लेकिन number of species में कुछ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। हाँ, वो बोल रहा है कि कितने स्पीसीज हैं, उस हिसाब से नंबर कम होता चला जाएगा, पिरामिड नंबर। हाउएवर वी कैन सी राइट प्लेनली इट एज ए बायोमास, कि कितना जितना बायोमास है 10% ट्रांसफर का मतलब है उसका, अगर 100 किलो पेड़ है कहीं तो 10 किलो ये होंगे, फिर 1 किलो ये होंगे, फिर 0.1 किलो ये, क्योंकि 100 ग्राम सेब खाओगे तो 10 ग्राम बढ़ेगा तुम्हारे अंदर, जो भी अंदर बॉडी में, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। आगे हम आपको एनर्जी ट्रांसफर लॉ बता देंगे, 10% लॉ। हाँ, 10% लॉ। ना सो effects of man activity on ecosystem, the shortening of food chain due to man's activity like hunting leads to imbalance in functioning. अगर मान लीजिए हम hunting करने लगे तो इससे food chain short हो जाती है, because other animals now have to compromise to eat somebody else, तो वो दूसरे की food chain को hamper करेंगे, तो food chain कई बार सीधा ऐसी हो गई कि कुछ लोग अब छोटी हो गई, सीधा producer को ही खाने लगे, क्योंकि दूसरे बीच के link गायब हो गए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही है। सो इस तरीके से शॉर्टनिंग हो रही, इट इज ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन इन द इकोसिस्टम, हमारे हस्तक्षेप की वजह से हमारे जैव पारिस्थितिकी में अंतर आया है, और ये जो आहार श्रृंखला है ये छोटी हो गई। हम भी अगर मीट की जगह प्लांट्स खाए तो हमें ज्यादा एनर्जी, हम वी आर मोर सस्टेनेबल, हम ज्यादा दिन जी पाएंगे, मीट होगा क्योंकि हम उस पर निर्भर कर रहे हैं जिसमें बायोमास कम है, और पालक दुनिया में ज्यादा है, तो जो पालक खाएगा वो ज्यादा दिन जिएगा, एनर्जी भी ज्यादा ज्यादा मिल सकती है, तो हमें लोअर ट्रॉपिक लेवल पर जिंदा रहना चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट इज एग्जांपल ऑफ हिल इफेक्ट ऑफ मैन्स डेलिकेटली बैलेंस्ड ऑन द डेलिकेटली बैलेंस्ड इकोसिस्टम। देखो इसमें बताया गया कि सहारा डेजर्ट क्यों बना, व्हेन रोमन स्टार्टेड कैप्चरिंग लायंस, तो फिर क्या हुआ बताइए, जब लायंस को उन्होंने कैप्चर कर लिया अपनी वीरता के लिए, तो जब सारे, अब तुमको यहाँ पर भी मालूम है सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था, यहाँ पर पहले लोग काले हिरन की पूजा किया करते थे, लेकिन हाँ चिंकारा, फिर उसके बाद वो किसी उसको मरने नहीं देते थे, लेकिन सब धीरे धीरे इसी राजस्थान की घास खत्म हो गई क्योंकि वो काले हिरन खा गए, और फिर जब कोपने पैदा होने लगी वो कोपनों को भी खा गए, घास भी नहीं बनने दी, और एक ऐसी स्थिति आ गई जमीन में घास उगना ही बंद हो गया, वे हिरन भी मारे गए और कोपने भी उगना बंद हो गई और राजस्थान बंजर हो गया। तो इन्होंने अधिक पूजा कर ली हिरन की, इसी वजह से ये बंजर हो गया। अगर वे कुछ हिरनों को शेरों को खाने देते तो ये राजस्थान फिर आज हरिस्तान होता या हरा भरा प्रदेश होता। ऐसा ही रोमन्स ने अफ्रीका में किया, रोमन्स ने वहां के सारे शेर मार डाले, तो शेर मार डालने की वजह से वहां डियर थे वो सारे बढ़ गए, और उन्होंने क्या न्यूली ग्रोइंग ग्रास या सैपलिंग्स को खाना शुरू कर दिया। व्हेन द प्लांट सैपलिंग्स आर ईटन बाय देम, तो जो जो ग्रास थी, जो सॉइल थी वो लूज हो गई, और लूज होने की वजह से सॉइल इरोजन होने लगा, वो मिट्टी उड़ते उड़ते रेत बन गई, उसने अपनी फर्टिलिटी खो दी, एंड नाउ इट इज ए लार्ज डेजर्ट। तो इस तरीके से इकोसिस्टम में अगर हम कहीं पर भी इंटरवेंशन करेंगे तो उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। टॉप है, टॉप मोस्ट ह्यूमन, अगर हम देखें तो टॉप कॉर्निंग यहाँ पर आता है, वैसे तो हम कहीं पर भी, हमारे ऊपर है, हम कहीं भी है, अगर हम हर्बीवोर रहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे, हम कहाँ रहना चाहते हैं, नहीं। सो सम ह्यूमंस कम्स इन ऑल द लेवल्स, ह्यूमन कैन कम इन ऑल, ऐसा पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑल लेवल में आ सकते, बट वो टॉप में भी आ सकते, वो मोर भी खा सकते। इस तरीके से नाउ एक्सप्लेन विद ए फूड चेन द इल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक्सप्लेन विद सिंपल फूड चेन दैट ह्यूमन इंटरवेंशन द
डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। देखो ये चेन है और इसमें ये सारे जो है वो लिंक है। सो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इफ एनी लिंक ऑफ द फूड चेन इज रिमूव देन शो दैट फूड चेन इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। इफ एनी लिंक ऑफ फूड चेन इज एलिमिनेटेड या रिमूव्ड देन एंटायर फूड चेन इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो लेट अस टेक अ सिंपल फूड चेन, सो ग्रास, डियर, लायन। सो इफ ग्रास इज रिमूव्ड तो क्या होगा, अगर ग्रास रिमूव कर दी जाए देन डियर कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ डियर लायंस विल डाई सून ऑफ डियर सेकेंड इफ डियर आर रिमूव्ड, डियर प्लूरल है तो अभिषेक क्या होगा, मान लीजिए डियर हमने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, डियर प्लूरल है और क्या होगा, पूरी चेन खत्म होगी। ये तुम्हें दिखाना है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ग्रास की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, उनको स्पेस कम मिलेगा तो उससे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली दिस ग्रास विल बी अल्टीमेटली ओवरलैप ओवर ईच अदर एंड कैन नॉट ग्रो, ग्रास भी बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, मतलब जैसे घास बढ़ गई, एक है ग्रास, मेड्यूस क्या होते हैं हरे चारा के, जब वो चरे जाते हैं तभी तो नई घास उगती है, और अगर घास बढ़ते बढ़ते उसी के ऊपर गिर जाए सो दैट जो न्यू ग्रास है उनको उगने का मौका नहीं मिल पाएगा और वही हार्ड हो जाएगी एंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो न्यू ग्रोथ, सॉइल से वो कुछ नहीं ले पाएगा। तो दोनों चीजें तुम्हें दिखाना है, एक के हटने पर सब हट जाएगा, यह नहीं दिखाना कि आगे वाला हटेगा, पीछे वाला भी हटेगा, वो भी दिखाना। सो मान लीजिए इफ डियर आर रिमूव देन इन एब्सेंस ऑफ डियर पहले लाइन का दिखाओ, इन एब्सेंस ऑफ डियर लाइन विल डाई एंड डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड ठीक है। नाउ नो एनिमल इज देयर टू ईट ग्रास, ग्रास विल ओवर ग्रो और क्या होगा, ओवर ग्रो, ग्रास विल ओवर ग्रो एंड कवर द न्यूली ग्रोइंग ग्रास एंड इनहिबिट इट्स ग्रोथ, जो पहले से ग्रास है वो ओवर ग्रो हो जाएगी एंड कवर द न्यूली ग्रोइंग ग्रास और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी एंड कवर, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लांट्स को जब हम प्रूनिंग करते हैं काटते हैं तो उसी से तो प्लांट बढ़ते हैं, प्रूनिंग आवश्यक है एंड कवर द न्यूली ग्रोइंग ग्रास एंड इनहिबिट या स्टॉप देयर ग्रोथ, जो तुम्हें सेंटेंस अच्छा लगे, इनहिबिट इट्स ग्रोथ, स्टॉप भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से लिख लो इनहिबिट अगर वैसा लग जाए। इफ लाइंस आर रिमूव देन द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल ग्रो मैसिवली एंड देयर विल बी नो सफिशिएंट ग्रास, सही बता रही है।
देखो इफ लायंस वर इवन लायंस तो चले गए और ये बहुत अच्छा सेंटेंस है द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल ग्रो मैसिवली पॉपुलेशन ऑफ डियर विल लेकिन ये अभी मारे जाएंगे अगले दो चार महीने में विल ग्रो मैसिवली ठीक है दे विल ईट इवन द न्यू सैपलिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड अल्टीमेटली देयर विल बी सून नो फूड एंड ऑल डियर्स विल बी डाइंग दीज विल ईट इवन न्यू सैपलिंग्स जैसा सहारा डेजर्ट में हुआ ऑफ ग्रास अल्टीमेटली सोनर देयर विल बी नो फूड एंड ऑल डियर विल ऑल्सो डाई और सूनर वो तुम्हें लिखना है कि डिजर्ट हो ही जाएगी सूनर द लैंड विल बिकम डेजर्टिफाइड लैंड भी तो डेजर्टिफाइड हो जाएगी हाँ बोलिए ह्यूमंस आर रिमूव्ड फ्रॉम विल बिकम डेजर्टी पहले कहाँ होते थे डेजर्टिफाइड एंड डायनासोर जो थे ना जब मीटियोराइट गिरा था तो वो उछल उछल के गिरे सब लैंड विल बिकम भी दिखा देंगे विल बिकम डेजर्टिफाइड क्या हो जाएगा बताओ एंड सून ऑल डियर विल डाई एंड सून ऑल इतनी बात समझ आ गई सो अब देखो आगे देखो ये तो तीनों केस हो गए सो इसलिए How dinosaurs get extinct? नमस्कार दोस्तों. हम ढूंढ के भेज देंगे पता नहीं चल
मैं दो तीन मिनट का ही है जिसको ढूंढना पड़ेगा उसे खो जाता है। चलो अब देखिए चलिए अब हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर लॉ। 10% अच्छा सर वो हमारे से बता रहे थे कि ट्री एज अ प्रोटीन इन्वर्टेड बनाते हैं वो क्या जी ट्री एज अ इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनाते हैं वो इन्वर्टेड है कौन सा ट्री एज अ इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा ट्री एज ट्री एज अ इकोसिस्टम है पिरामिड उसका उल्टा क्यों बनता है अभी देख लेते हैं नई चीज बताएं हम देख चलो अब देखिए कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन सो सबसे पहले जो सन से एनर्जी आएगी वो प्रोड्यूसर हार्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर के पत्तों पर जो भी एनर्जी गिरेगी तो सबसे पहले जो भी एनर्जी उनके पत्तों पर गिरेगी वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसमें से वो सिर्फ 1% ही एनर्जी ले पाते हैं जितनी गिरती है उसको वो खाने में बदल लेते हैं जितनी एनर्जी उन पर गिरेगी उसका 1% वो लोग यूज कर लेंगे ठीक है वो आगे दिखा देंगे। अब देखिए प्रोड्यूसर ने एनर्जी ली और किसको ट्रांसफर की हर्बीवोर को हर्बीवोर ने कार्निवोर को की लेकिन हम सबकी बॉडी से क्या हीट निकलती रहती है तो कार्निवोर और कार्निवोर ने फिर टॉप कार्निवोर को की टॉप कार्निवोर और फिर वो एनर्जी जो हमारी बॉडी से निकलेगी इवन प्रोड्यूसर है प्लांट्स में से भी हीट निकलती रहती है क्योंकि परस्पिरेशन करते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में तो वेपर्स हैं तो इससे जो हीट निकली और इससे इन सब से निकलने वाली हीट इसको कम्युनिटी हीट कहते हैं इट डेसिपेट्स इनटू यूनिवर्स इसको ट्रैप नहीं किया जा सकता तो ये जो हीट निकल रही है वो ये कहां चली जाएगी डिसिपेट्स हो जाएगी इन यूनिवर्स और कॉल्ड इसे क्या कहेंगे कम्युनिटी हीट। तो कम्युनिटी हीट की अगर डेफिनेशन आ जाए तो यही लिखना कि हीट डिसिपेटिंग फ्रॉम लिविंग बॉडी इज नोन एज कम्युनिटी हीट। अब इन सभी में से प्रोड्यूसर भी दिखे होंगे ये जब मरेंगे तो इनको कौन खाएगा दैट इज डिकम्पोजर तो दिस इज द रूट हाउ द एनर्जी फ्लोज रूट ऑफ एनर्जी फ्लो तो ये क्या है सो डाई जब ये डाई करेगा कोई भी चीज है प्रोड्यूसर हर्बीवोर तो उसके बाद क्या होगा और अगर ये पूछा जाए तो ये क्या दिखाया जा रहा है रूट ऑफ एनर्जी फ्लो तो कौन सी हीट होगी कम्युनिटी मतलब तो जाएगी ना कम्युनिटी 90% हमारे अंदर रहेगी। नाउ अब देखिए कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए सो द सम पॉइंट्स सो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम क्या क्या चीजें होती हैं पहली चीज एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम ये कहीं ना कहीं से रोटेट होती रहती है ये नहीं है जो रेडिएट हुई है ये भी कहीं यूनिवर्स में जाएगी ये हार्डनेस होगी टैप होगी फिर कुछ ना कुछ नया सन बनेगा कुछ भी बने ठीक है तो एनर्जी कभी भी ऐसा नहीं है कि क्रिएट हो रही है ये एक साइकिल में कहीं ना कहीं से किसी को मिल जाएगी। पहला पॉइंट डिस्ट्रॉय ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मास भी एनर्जी ही है
6000 किलो सन हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है तब एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। एक समय में उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और वो सन इतना हल्का हो जाएगा कि अर्थ उसके अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल पावर से बाहर हो जाएगी। इवन उसकी अपनी गैसेस ही उसके हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस बन रही है उसके अट्रैक्शन से बाहर हो जाएगी, फिर वो एक्सपेंड करेगा और फिर उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं या सुपरनोवा, सुपरनोवा कहते हैं। और वो सारी हॉट गैसेस इतनी बढ़ेंगी कि अपने ही सोलर सिस्टम को कवर कर लेंगी, एंगल्फ कर लेंगी, सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे, पीछे एक क्या बना देंगी वैक्यूम, उस वैक्यूम को भरने के लिए ये गैसेस फिर वापस आएंगी, लेकिन इतनी तेजी से कोलैप्स करेंगी कि जितनी अभी सन की डेंसिटी है उससे मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा हो जाएगी और वो एक पॉइंट में बदल जाएगा और फिर उस चीज को ब्लैक होल कहेंगे। फिर जब वो ब्लैक होल और शक्तिशाली होगा तो धीरे धीरे दूसरे सोलर सिस्टम को बदल लेगा, डस लेगा, फिर उसके बाद एक गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 50 अरब दैट इज 50 बिलियन स्टार्स हैं अलॉन्ग विद उनके अपने प्लैनेट्स भी होंगे, फिर वो गैलेक्सी को निगलना शुरू कर देगा। जब गैलेक्सी को निकलेगा फिर यूनिवर्स को भी निकलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ब्लैक होल भी बहुत पावरफुल होते जाते हैं और जैसे आइंस्टीन ने बिग बैंग की थ्योरी बताई है कि एक पॉइंट से यूनिवर्स बना है और उसी यूनिवर्स से फिर पॉइंट बन जाता है, इसी को कल्प से कल्प तक का सफर कहते हैं जिसमें सभी द्वापर त्रेता युग हुआ करते हैं। अब देखो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम क्या होगा, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी बाहर से आती है, बात समझ लो। एनर्जी अगर हम कहें कि कोई इकोसिस्टम अपने आप चल रहा है, सूरज सुन चले जाओ, तो ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। जो इकोसिस्टम है वो किससे एनर्जी लेता है, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड विद इन इकोसिस्टम, ये बाहर से लेता है और रेडिएट करता चला जाता है, इकोसिस्टम ग्रो भी कर सकता है सन से आ रही एनर्जी। सेल्फ कंटेन का मतलब है उसी वो इकोसिस्टम ग्रो कर सकता है ना, और बड़ा होता चला जाएगा। तो इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सन, जितना अर्थ सस्टेन कर सकती तब तक ही ग्रो करेगा। फिर देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसफर, दूसरी चीज बताई गई है कि ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लगातार होती रहेगी, एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। अगर रुकेगा, अगर कभी भी रुक जाएगा तो उसको सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं कि इस सिस्टम पर रुक नहीं सकता। हिरन फैसला कर दे हम खाए नहीं जाएंगे, हम किसी के द्वारा खाए नहीं जाएंगे, तो वो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिर एनर्जी ट्रांसफर ही रुक जाएगा, फिर वही हाल होगा जो यहाँ हुआ प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, एंड रेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बायोमास। कुछ एनर्जी किसके लिए यूटिलाइज होती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेसेस हैं, खाना खोजना है, दौड़ना है, शिकार पकड़ना है, अगर तो उसी में चला जाएगा। सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 90% है, इज यूटिलाइज फॉर लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए, 10% किसके लिए, इज यूटिलाइज फॉर लाइफ प्रोसेस। इवन रात को खाना खा के सो सुबह भूख लग जाती है, 90% हमारी एनर्जी तो ऐसे ही लाइफ प्रोसेस में, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है हमारी बॉडी में, तो सोडियम सेल के अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर, इसी में ही 70% एनर्जी हमारी खत्म हो रही है बॉडी की, जो कि 11th में पढ़ोगे। सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेस एंड 10% रेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीज इन बायोमास या ग्रोथ, एंड रेस्ट जो कि 10% है वो अगला है ट्रॉपिक लेवल, वही बारह है, इज
fertilized for its growth, जिसे हम बायोमास कहते हैं, जो जिंदा है उनका मास, उसको क्या कहलाएंगे? बायोमास. नेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी, और एक नियम है, पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ हर्बीवोर कार्निवोर चाहे कोई भी हो इज ट्रांसफर्ड टू डिकम्पोजर. उनको भी तो कुछ खाना चाहिए सर. ठीक है, लिखो ए पार्ट ऑफ एनर्जी, सभी में से पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर की भी वो ले लेते हैं. ऑफ प्रोड्यूसर एनर्जी का लेवल कहाँ तक हो सकता है? प्रोड्यूसर वो उससे एनर्जी लेते हैं और बढ़ते रहते हैं. बैक्टीरिया तो है पूरी दुनिया में, अपने काम में है, उनकी भी ग्रोथ होती रहती है. सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर हर्बीवोर, या सिंपली कंज्यूमर भी लिख सकते हो, हर्बीवोर एंड कार्निवोर इज, ठीक है, यूटिलाइज्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ. ऊपर वाले चित्र से समझा जा सकता है, ऑफ डिकम्पोजर्स, अपघटनकर्ताओं के द्वारा भी इनमें से ऊर्जा का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया जाता है. नेक्स्ट इज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल विच कैन बी अंडरस्टूड बाई 10% लॉ. देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो मतलब जितनी भी एनर्जी ली है हाँ. उसमें से 10% तो ग्रोथ के लिए हाँ. बाकी 90% जैसे आप बता वो रहे लॉस हो गई. और जैसे वो सोडियम भाई, अगर वो शेर कहे कि नहीं प्रविशंति, ठीक है, सिंघा मुखे मृगा, शेर के मुख में मृग नहीं आता है, उसको दौड़ के हिरन को पकड़ना पड़ता है, तो उसके लिए वो दौड़ने भागने और इन सब में भी लॉस हो जाएगा, उसके लिए अपनी लाइफ वही 90% है. तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल. तो देखें देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. सर इससे एक प्राणी कितने साल जिएगा ये इफेक्ट होता है? ड्यूरिंग अभी बता रहे, कछुआ 300 साल जीता है एट, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग और नास्ते दमस बोल के गए. दिसंबर 2023 में एक ऐसी दवा आने वाली है, साइंटिस्ट बना रहे हैं कि इंसान खा लेगा तो 200 साल तक जिएगा. 500 साल पहले बोल के गए. एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल. Which is understood by, वो कैसे समझा जा सकता है? Which is as per 10% पूरा नियम क्या है? 10% law, यही इसका नाम है 10% law. ये क्या स्टेट करता है? According to this, only 10% of energy entering in a particular ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल टू ट्रांसफर. यानी अगर हमने 10 किलो सेब खाया है तो हम दूसरे से कहेंगे भाई हम 1 किलो बचे हमें खा लो. ये चीज हमने जितना खाया हम उसका 10% ही शेर को दे पाएंगे. हिरन ने जितना पत्ता खाया वो कहेगा भाई हमने 100 किलो पेड़ खाए, अब हमारी जनसंख्या 10 किलो है, तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं तो 100 किलो पेड़ जाके. ये चीज होती है. तो क्या चीज है, इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है. Though it is tongue twisting, but it is good. So 10% law क्या कहता है? According to this law, only 10% of the energy, जितनी उसमें प्रवेश की है, of the energy. देख लो, deer ने 100 किलो पेड़ खा लिए, तो 100 किलो पेड़ खा गया और उसको दिया 10 किलो लाइन को. तो वो पूछेगा खाया तो तुमने 100 किलो था, बाकी 90 किलो कहाँ है? उसके पास जवाब नहीं है. नहीं दे रहा, कह रहा हमारी आप तौल के देख लो, जितना खाया उसका 10% है. उसके लाइन में देखिए कि
only 10% of energy entering in it. इसको दूसरी तरीके से भी दिखा देंगे, entering. In a trophic level is available for transfer. Available for transfer to next higher trophic level. To next higher. या ये भी कह सकते हो, वॉट एवर एनर्जी इज टेकन बाई एनी ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल. वॉट एवर एनर्जी इज टेकन एज फूड एनर्जी by any trophic level. Only 10% of it is transferred to next higher trophic level. उसमें से 10% ही दूसरे को मिलेगी. और एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझिए. क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सन ने जो एनर्जी दी तो दिस लॉ अप्लाई नहीं करेगा सन पर. 10% लॉ सन पे नहीं अप्लाई करेगा. तो ये प्लांट है, देखो अगर इसने 1000 जूल दी, 1000 जूल एनर्जी इस पे गिरी तो कितना होगा? तो 1% इज ओनली अब्सॉर्ब, 1% अब्सॉर्ब. तो ये 1% अब्सॉर्ब करेगा और अब बची 1% कितना होता है बताओ? तो देखो 1000 का 1% कितने परसेंट करना, 1/100 कर लो, 10% करना तो 10/100 कितना आया बताओ? So, that is 10 जूल आ गया. 10 जूल इसने ले ली, 10 जूल का खाना बना लिया तो 10 जूल आ गया. 10 जूल इसने किसको दे दी? डियर को. तो डियर ने जितनी ली 1 जूल ली वो किसको देगा? लायन को. ऐसे लंबी चेन भी बना सकते हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लॉ. मान लीजिए एक और चेन बना दें कि ग्रास इंसेक्ट, ठीक है, और इसके बाद फ्रॉग, स्नेक और पीकॉक. तो पूछेगा इसके पास 0.01 जूल है और कहेगा चेन तो कंप्लीट करो, ऐसे कह देगा. तो 10-10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन आया. एक दे दी, अब कहेंगे मेंशन द एनर्जी इन द रिमेनिंग लिंक्स ऑफ फूड चेन. तो बोलो ये है तो यहाँ क्या लिखें? 0.1. तो 0.1 जूल, फिर यहाँ पर 1 जूल, फिर यहाँ, फिर यहाँ 100 जूल. अगर सन बोले तो सन में फिर उसका 100 गुना कर देना. मान लीजिए कहे सन, तो सन के लिए क्या करोगे? 100 गुना. यहाँ 10-10 से कर रहे हो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 जूल. समझ आई बात? इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है. अब अगली क्लास में आपको ओजोन लेयर बताएंगे और 3 आर्स, कई बार 5 आर्स भी होगा. रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस और क्या है? कल 9 बजे से 30:30 सुबह आओगे क्या? आ जाना. ओके थैंक यू. और जल्दी सार्थक ही, तुमने ये बुकलेट्स नहीं लिए, बताते भी नहीं.
आइए सैंपल पेपर नहीं है क्या? ये सैंपल पेपर नहीं लेना, सोशल साइंस नहीं सर, बताया करो मुझे पता ही नहीं सर। हिंदी की कल की वीडियो तो आप डाले थे ना, कल की वीडियो तो आप सुबह एक्चुअली वो बास्केटबॉल में लिया है ना, मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ, डाल दीजिएगा। चलो और हमने उसका भेज दिया है ना आपको, सुबह की 9 बजे, अरे शाम की शाम क्या है ना, 17 को आपका टेस्ट है, 18 को हम लोग अभी हरिद्वार में जा रहा हूँ, 18 से 21 तक छुट्टी रहेगी, यानी 18 से 21 और तुम्हारे में 25 से हॉलीडे ही हो रहा है, 24 हो रहा है तो सुबह सुबह लेते रहेंगे, यानी 22-23 की बात है, उसके बाद तो छुट्टी हो रही ना आपकी, और फिर उसके बाद हो सकता है 10th में शायद एक्स्ट्रा क्लास, हम एडजस्ट कर लेंगे उसके साथ, तुम्हारी पूरा फुल टाइम तो नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास, जो बच्चे में टाइम होगा हम उस पर एडजस्ट करेंगे, फिर आगे चल के आपको प्रिपरेटरी लीव भी नहीं सर, एक दो दिन देख लेंगे अगर पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रही है अच्छा हो रहा है तो अच्छी, तो फिर हम छोड़ देंगे, देख लेंगे एक दो दिन, तो हम फिर उसके बाद फिर जब हम चेंज तो कर देंगे, लेकिन जब तक चल रहा है चला ही लेते हैं, फिर हम अचानक बदल, एक दो दिन के लिए क्यों बदलना, फिर बदलते गरिमा कैसे नंबर आ रहे हैं, इस बार अच्छा अर्पिता के कम नंबर आए, बताया पूछा नहीं अर्पिता, वो बताती नहीं है सब, बोलते हैं पता ही नहीं चला पता नहीं चला, हमें तो ऐसे बोल देती है, भाई का तो बता रही 38 आए थे इस बार,